रहमान रहीम। दोस्तों आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ड्राइविंग कैसे करनी है। आज मैं पार्ट वन जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ड्राइवर को सुबह आकर क्या काम करना चाहिए, उसको अपनी गाड़ी के बारे में कैसे चेक करना चाहिए। और अभी गाड़ी के बारे में जो ड्राइविंग के बारे में मैं बता रहा हूँ उसके लिए मैं पार्ट टू तैयार कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग कैसे करनी है और कौन कौन सी चीज़ है कि जो हमें इसके बैठने से सीट पे बैठेंगे और से बैठकर कौन कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे पहले जिसकी ज़रूरत है और चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने चाबी लगाया और गेट खोल लिया, ये डोर हमने खोल लिया है, डोर ओपन किया। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये क्लच, इसे क्लच बोलते हैं, ठीक है। बहुत दोस्तों ऐसे मजाक भी उड़ाएंगे क्योंकि जो ड्राइविंग सीख जाते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, जो नहीं सीखे होते जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। दोस्तों ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्लच है। इस क्लच को दबा के हम गियर लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये इसका ब्रेक है, जो पाँव में ब्रेक होता है इसका ब्रेक लगाना है। ये एसीलेटर है जिसको हम मसलन स्पीड ज़्यादा और कम करने, ये इसका एसीलेटर है। ये तीन चीज़ें जो है ये ड्राइवर के पाँव में होती हैं, तो जैसे ड्राइवर के हाथ काम करते हैं इसी तरह ड्राइवर के पाँव काम करने चाहिए। दोस्तों आइए ये गाड़ी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि गाड़ी कैसे स्टार्ट करना। ये देखिए ये चाबी घुमा दिया, ये देखिए ये चाबी घुमा दिया, ये गियर लीवर हमने चेक किया, हमारा गियर जो है वो न्यूट्रल है। तो ये देखिए हमने इसको, आपको आवाज़ सुन गई होगी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट किया है चाबी एकदम हमने छोड़ना है, अगर चाबी ज़्यादा घुमा के रहेंगे तो इसका स्टार्टर जो है वो सड़ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, अगर नहीं भी सड़ा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें एकदम उसको छोड़ना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाएं पाँव के नीचे जो है ये क्लच है, ये सिर्फ क्लच का काम करेगा। बाएं तरफ का पाँव जो है उसके नीचे क्लच होता है, वो सिर्फ क्लच काम करेगा, वो एक ही पाँव के नीचे जो है सिर्फ एक चीज़ काम करेगी। ये देखिए ये इसका ब्रेक है और ये एसीलेटर है। तो ये देखिए एसीलेटर दबाया है, अभी क्या है हमने गाड़ी को चलाना है। तो ये देखिए इसका गियर लीवर है, इस पर सबसे पहले नज़र ये डालें कि जैसे हमने ये गियर लीवर देखा है इस पर गियर लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फाइव, और नीचे ये आर लिखा हुआ है। आर का क्या मकसद है, रिवर्स है, आर रीड होता है, ठीक है, रिवर्स, ये रिवर्स गियर का ये यहाँ पर लगता है, फर्स्ट यहाँ पर लगता है, सेकंड यहाँ पर लगता है, थर्ड यहाँ पर लगता है, फोर ये यहाँ पर लगता है, फाइव यहाँ पर लगता है, रिवर्स यहाँ पर लगता है। तो हमें क्या करना है, ये क्लच हमने दबा दिया, ये क्लच दबा के हमने फर्स्ट गियर जो है लगा दिया। अभी जैसे हमने गियर लगाया तो ये हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है और हमने ब्रेक पर पाँव रखा, ब्रेक पर पाँव रख के ये हैंड ब्रेक थोड़ा खींच के ऐसा घुमा दिया, इसमें लाग है, ये देखिए नीचे लाग है, इसको ऐसे पकड़ के घुमाएँगे, ये देखिए ये हैंड ब्रेक लग गया, जैसे खींच दिया लग गया, अभी इसको ऐसा घुमाएंगे ये लूज हो गया, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट गियर लगा दिया, अभी हमने गाड़ी चलाना है, ये देखिए गाड़ी अभी चल रहा है, ये देखिए एक ये हमने स्टीयरिंग पे हाथ रखा और ये देखिए ये गाड़ी हमारा चल रहा है। इसी तरह आराम सुकून से एसीलेटर दबाना और क्लच जो है आस्ता आस्ता छोड़ना है, ये देखिए ये गाड़ी चल गया। तो दोस्तों इतने ही काम है, लेकिन गाड़ी में और बहुत ज़्यादा काम है जिसके लिए हमें बताना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ी हमारा चल रहा है, आराम सुकून से जा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है, ये सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट जब हमने गाड़ी चलाना है तो ये सीट बेल्ट लाजमी लगाना है, ठीक है। ये देखिए ये सीट बेल्ट लगा दिया, ये जहाँ पर ये निशान है इसको पुश किया तो सीट बेल्ट निकल गया, इसको इधर लगा दिया, ये सीट बेल्ट लगा दिया। अभी सीट बेल्ट पर बहुत ज़्यादा सख्ती है इसलिए सीट बेल्ट लगा के ये गाड़ी हमने चला लिया, ठीक है जी, ये गाड़ी हमारा जा रहा है। अगर हमने यहाँ पर रिवर्स गियर लगाना है तो हमें क्या करने का, ये देखिए ये रिवर्स गियर जो है ये लीवर इस तरफ किया, ये नीचे हमारा रिवर्स गियर लग गया। अभी रिवर्स गियर कर लगाकर जैसे पहले देसी दौर था कि एक आदमी पीछे से इशारा दे रहा है और दूसरा ड्राइवर जो है उसको रिवर्स कर रहा है, दोस्तों वो काम नहीं है। अभी क्या काम है कि ये देखिए ये गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ, जैसे रिवर्स कर रहा हूँ ये साइडों पे दो साइड मोरर लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, इसमें हमने देखना है कि हमारा गाड़ी किधर जा रहा है। और ये सेंटर में जो शीशा लगा हुआ है इसका भी यही काम है कि बैक साइड पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई आदमी तो सेंटर में नहीं खड़ा हुआ जो हमारे को नज़र नहीं आ रहा है, या कोई बाई चांस कोई चीज़ आके हमारे पीछे तो छोटी जैसी खड़ी नहीं होगी जो हमारे को नज़र नहीं आ रही, इस शीशे में ये देखा जाता है। और ये साइड मोरर जो है साइडों पर हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये हम रिवर्स गाड़ी कर रहे हैं, तो रिवर्स गाड़ी कैसे जा रहा है,
देखिए इसी तरह रिवर्स करने का है, ये गाड़ी रिवर्स हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल सीधा गाड़ी जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए दोनों साइडों पे कि हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल सीधी जा रही है, बैक साइड पे किधर जा तो नहीं रही दोस्तों। तो इसी ये देखिए ये गाड़ी खड़ा किया हमने, क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, गियर न्यूट्रल कर लिया, ये हैंड ब्रेक हमने खींच लिया, ठीक है जी। ये हमारा गाड़ी फ्री हो गया। अभी क्या करना है, हमने ये गाड़ी बंद करना है, ठीक है जी। ये गाड़ी हमने बंद कर दिया, अभी स्विच ऑफ कर दिया और हमारा गाड़ी बंद हो गया। दोस्त लोगों को मेरा चैनल पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। अगर मेरी वीडियो में किसी भी चीज़ की कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं इंशाल्लाह उसको बेहतर से बेहतर करके और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।